हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए एलडीसी एग्जाम और सीईटी एग्जाम और छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए गणित और विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और विज्ञान के अंतर्गत अभी तक हमारी 127 क्लासेस हो चुकी है और गणित के अंदर आज हमारी क्लास नंबर है 55। इससे पहले की गणित और विज्ञान की दोनों की ही क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर सीक्वेंस वाइज टॉपिक कंप्लीटली पीवाईक्यूज के साथ में अवेलेबल है। आप लोग देख सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। गणित के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो अभी तक हमने 54 वीडियो के अंदर 5 यूनिट कंप्लीट कर ली है और आज एक नया टॉपिक या नई यूनिट शानदार सी, जो आपकी 7वीं यूनिट है, उसका पहला टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, यानी आंकड़ों का चित्रों के द्वारा जो है निरूपण कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गणित को बिल्कुल ही बहुत ही आसान से शब्दों के अंदर धीरे धीरे आपको समझाया जाता है और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है। इसी के आप सभी लोगों के प्यार के बदौलत ही राजस्थान एकेडमी के साथ में आज 34,000 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। बस ये प्यार इसी तरह जुड़ा रहे और हम आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। देखिएगा, आगे बात करते हैं। तो ये है हमारे एक एलडीसी एग्जाम का सिलेबस, है ना। थोड़ा सा हम रिव्यू करते हैं कि भाई हमने क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या बाकी रह गया है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि हाँ अब आगे कैसे तैयारी करनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो भी 15 गुना में सेलेक्ट हो चुके हैं उनको आप लोगों को पता है 3707315 3937, इस नंबर पर अगर आप मैसेज करोगे तो आपके पर्सनल गाइडेंस ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, जिसके अंदर हम लोग डेली आपको टारगेट देते हैं कि आपको आज क्या पढ़ना है, कितने कैसे कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस पर मैसेज कर सकते हैं। और आपको पता है कि हम लोगों ने अभी तक, देखिए, वैदिक गणित को अच्छे से समझा, ठीक है, और 6 अंकों तक के वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल ज्ञात करना सीख लिया वैदिक गणित विधि से। उसके बाद में अपन ने पढ़ लिया है गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण दो रेखिक चरों वाले के, और द्विघात समीकरण और लघु गणक, ये टॉपिक भी संपूर्ण कर चुके हैं। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था 4th यूनिट, एक बिंदु पर बनने वाले कोण, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य दूरियां, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक और बाह्य विभाजन, ठीक। इसके बाद में अपन ने पढ़ा है समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल वगैरह, ये पूरा हो चुका है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था त्रिकोणमिति, कोण, उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति सर्वसमिकाएं, ऊंचाई दूरी की सामान्य जानकारी ले ली थी। इसके बाद में अब हमारे पास में आज मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, आंकड़ों का चित्रों के द्वारा निरूपण। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है, जैसे कि आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। माध्य, माध्य, माध्यिका और बहुलक, इनके बारे में बात करेंगे, और फिर अपन बात करेंगे आपके माध्य विचलन की, और फिर जन्म मृत्यु सांख्यिकी और सूचकांक, ये दो जो टॉपिक है ये स्टैटिक्स के हैं और इनको भी अपन बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। देखिए, तो अब हमारे पास केवल 2 यूनिट रही है और पर्याप्त समय है, आप लोगों को पता है हम इजीली जो है इसको कर लेंगे। तो आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप रेगुलर बने रहे और नोट्स बना करके क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि आंकड़ों का या जो है आपके जो डाटा है उसको चित्रों के द्वारा जो है किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। आंकड़ों को चित्रों के द्वारा निरूपित करने के लिए अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए जा सकते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा चित्र कब बनाया जाता है और कैसे बनता है, उसके बाद में इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी बात करेंगे। तो आप हेडिंग डालिए आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, ठीक है, वो एक ही बात है, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण या आलेखीय निरूपण। तो आंकड़ों का क्या पढ़ने वाले हैं, आलेखीय निरूपण पढ़ने वाले हैं।
इसमें सबसे पहला जो आपके पास में डायग्राम आता है वो आ जाता है रेखा आलेख। क्या आ जाता है? रेखा आलेख। और रेखा आलेख का मतलब है लाइन ग्राफ। किसकी बात करेंगे? लाइन ग्राफ। ठीक, तो लाइन ग्राफ की बात करें तो बेसिकली लाइन ग्राफ जो है वो असतत यानी कि डिसकंटिन्यू, बारंबारता, यानी जो आपके पास में ऐसे डाटा दे रखे हो जिनके कोई किसी प्रकार की कंटिन्यूटी नहीं हो। ठीक है, ऐसे डाटा के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेखा आलेख का उपयोग करते हैं। तो आप लिखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, असतत बारंबारता, असतत बारंबारता बंटन, यानी डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, असतत बारंबारता बंटन के समय इसका उपयोग करते हैं। और आगे लिखेंगे कि जब इस पर देखिए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो जब प्रेक्षणों की संख्या अधिक होती है, जब प्रेक्षणों की संख्या अधिक, जब प्रेक्षणों की संख्या अधिक होती है, क्या, तो जब प्रेक्षणों की संख्या अधिक होती है तब हम ये बनाते हैं। अब ये रेखा आलेख बनता कैसे है, इसका एक छोटा सा उदाहरण आप लिखेंगे। तो पहला देखिए कि ये रेखा आलेख यानी लाइन ग्राफ किस प्रकार से बनते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये ग्राफ बना लेते हैं इस प्रकार से, क्लियर। और इसके अंदर जो है देखिए, यहां पर हमने मान लीजिए जनसंख्या रिप्रेजेंट करी, क्या करा, जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। और यहां पर जो है अलग अलग, मान लीजिए हमारे पास में शहर है यानी सिटी है, उनको रिप्रेजेंट करा। तो यहां तो क्या बता रही है, इन शहरों की यहां पर जनसंख्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जनसंख्या मान लीजिए किसके अंदर है, हजारों में है। ठीक है, मतलब अगर मैं 5 लिखूंगा तो आपको समझना है 5000। ठीक, तो ये हजारों में है, ये यहाँ पर 0 0 होगा, सीधी सी बात है। अब मान लीजिए यहाँ पर सिटी जो है एक अपन ने ले ली बॉम्बे, फिर एक जो है अपन ने ले ली बेंगलुरु, बी में ऊपर लिखा है, अलग ही नीचे आता है, ठीक है ना। फिर एक मैंने ले ली चेन्नई, सी, और एक मैंने ले ली जयपुर। ठीक है, ये 4 सिटियां ली है मैंने, तो बॉम्बे मुंबई के लिए एम, बेंगलुरु के लिए बी, चेन्नई के लिए सी, और जयपुर के लिए या जोधपुर जो भी आपकी इच्छा करे जे, क्लियर। इनकी जनसंख्या मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दी, मान लो 5000, 10000, 15000, 20000, इस प्रकार से। ठीक है, तो अलग अलग शहर की अलग अलग जनसंख्या है, ये हमें अब बता देगा। ठीक है ना, वो दे रखा होगा कि मुंबई की कितनी है, बेंगलुरु की कितनी है, चेन्नई की कितनी है, जयपुर की कितनी है। मान लीजिए आप अभी एक्सपेक्ट करिए कि मुंबई की आपको जो है 5000 दे दी। लो मैं यहां लिखता हूं कि मुंबई की जनसंख्या कितनी है, 5000 है। बेंगलुरु की जो जनसंख्या है वो मान लीजिए है 15000, और चेन्नई की मान लीजिए है 10000, और जयपुर की मान लीजिए है 20000। ठीक है, ये इस प्रकार से अपने को जनसंख्या दे दी। तो अब इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा कि ये बॉम्बे है, ठीक है, मतलब मुंबई, और कितनी जनसंख्या, 5, यानी ये रहा, तो ये यहां मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम जो है इसका डायग्राम बनाएंगे कि इधर से तो 5000 वाली लाइन ले लेंगे, इधर से मुंबई वाली लाइन लेंगे, ये ले ली, जहां क्रॉस करेगी उसको अपन पहला पॉइंट नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखिए आगे, बेंगलुरु की कितनी है, 15000, तो 15000 की ये वाली लाइन चलेगी और बेंगलुरु की ये वाली यानी यहां पर मिलेगी। ठीक है, इसको मिटा देंगे, ये एक नया पॉइंट, एक सेकेंड, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा अपने पास में। ठीक, इसके बाद में चेन्नई की कितनी है, तो 10000 है, 10000 ये रही और चेन्नई ये रहा, यहां मिलेगा, तो ये ले लिया, ये है तीसरा पॉइंट। फिर जयपुर की कितनी है, तो जयपुर की है 20000, यानी ये वाली लाइन,
और ये वाली लाइन, ये मिल गए, ये है चौथा पॉइंट। अब ऐसा डायग्राम नहीं बनाना है, अभी देखो अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। अब मैं जो है यहां से कुछ चीजें मिटा रहा हूं, देखो क्या मिटा रहा हूं वो देखना। अब आप ये जो लाइनें खींची है, ये लाइनें मैं मिटा देता हूं, क्योंकि ये हमें यहां पर रिप्रेजेंट नहीं करनी होती है, केवल पॉइंट हमें तो पता लगाने थे और आपको पहली बार सिखा रहा हूं, इसलिए मैंने ये इस प्रकार से लाइनें खींचकर बताया कि इंटरसेक्ट जो पॉइंट होगा वो लेना होता है। वरना आप अब तो समझ ही गए हैं कि ये जो है जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलते हैं उनको लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को मिलाएंगे, यानी पहला पॉइंट किससे मिलेगा, सेकेंड से। पहला पॉइंट किससे मिलेगा, सेकेंड से। सेकेंड किससे मिलेगा, थर्ड से। और थर्ड पॉइंट किससे मिलेगा, फोर्थ से। तो ये जो डायग्राम बना है आपके सामने इस प्रकार से जाकर नीचे फिर वापस ऊपर, इसी को कहा जाता है रेखा आलेख। क्या कहा जाता है, रेखा आलेख, लाइन ग्राफ। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आप रेखाएं खींच खींच के जो है ग्राफ बनाते हैं। तो ये है पहला आंकड़ों का निरूपण, या फिर हम ये कह सकते हैं आंकड़ों का चित्र निरूपण करने का पहला तरीका था, सबसे सिंपल रेखा आलेख, जिसके अंदर क्या करोगे कि जो भी आपका शहर है, जिसकी जनसंख्या या जो जो दो चीजें हैं, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करोगे, उस पॉइंट को पॉइंट 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 मिलाते हुए आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बारे में अपन और भी कुछ जो है आगे बात करते हैं। ठीक है, ये था रेखा आलेख। फिर अपन बात करेंगे अब दंड आलेख। किसकी बात करेंगे, दंड आलेख, या जिसे अपन स्तंभ आलेख भी कह सकते हैं। इन पर आधारित जो क्वेश्चन आएगा बड़ा मस्त आता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना। दूसरा, दंड आलेख, या जिसे अपन स्तंभ आलेख कहते हैं। और आपको बता दूं कि दंड आलेख या स्तंभ आलेख को इंग्लिश में कहेंगे बार ग्राफ। क्या कहेंगे, बार ग्राफ। ठीक है, तो हम किसकी बात करने वाले हैं, बार ग्राफ की बात करते हैं। अब बार ग्राफ क्या होता है बेसिकली, तो बार ग्राफ के अंदर जो है आपको संबंध चौड़ाई के और दो जो आपके स्तंभ बनाएंगे उनके बीच की जो दूरी होती है वो भी समान होनी चाहिए, यानी समान चौड़ाई और समान दूरी पर स्थित जो आपके दंड होते हैं, जो बार होते हैं, उनसे आंकड़ों को प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, दंड आलेख या स्तंभ आलेख कहलाता है। ये समान चौड़ाई और समान दूरी, ये दो शब्द याद रखना, क्योंकि इन पर आधारित जब क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था तो थ्योरेटिकल के अंदर ये पूछा गया था, थ्योरेटिकल पोर्शन में इसके क्वेश्चन पूछा था। तो दंड आलेख या स्तंभ आलेख का मतलब क्या है, तो इसमें लिखेंगे, इसमें समान चौड़ाई, समान चौड़ाई व समान दूरी, समान दूरी, ठीक है, समान चौड़ाई व समान दूरी पर स्थित, पर स्थित दंडों से आंकड़ों, दंडों से आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है, आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे कि दंड आलेख या स्तंभ आलेख जो है वो उसके अंदर क्या करोगे, समान चौड़ाई और समान दूरी पर स्थित दंडों से आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसके बाद में ये कब बनाए जाएंगे, तो असतत बारंबारता, असतत बारंबारता बंटन के समय। ठीक, इसके बाद में दूसरा क्या याद रखोगे, तो जब प्रेक्षणों की संख्या क्या हो, कम हो।
क्योंकि अगर अधिक होंगे तो बहुत ज्यादा स्तंभ बनाने पड़ेंगे और स्तंभ बनाना थोड़ा सा टफ काम है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, रेखा आलेख यूज करते हैं। ठीक है, तो जब प्रेक्षणों की संख्या, जब प्रेक्षणों की संख्या कम हो, ठीक, क्या हो, प्रेक्षणों की संख्या कम हो, इसके बाद में स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है, बारंबारता यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ना, उसकी वैल्यूज, ये सभी आगे बात अपन करेंगे, बारंबारता के, ठीक है, तो स्तंभ की ऊंचाई बारंबारता के समानुपाती, समानुपाती होती है। क्लियर, ये बात याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है भिन्न भिन्न वस्तुओं, यानी अलग अलग चीजों के लिए, है ना, वस्तुओं का मतलब यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वस्तु ही होगा, हो सकता है शहर होगा, कुछ अलग अलग, ऐसे बस अलग अलग होना चाहिए। तो भिन्न भिन्न वस्तुओं की एक ही जो है विशेषता का हम अध्ययन कर सकते हैं, तो भिन्न भिन्न वस्तुओं की एक ही विशेषता, आगे आएगा दो तीन विशेषता वाला भी, एक ही विशेषता का अध्ययन, एक ही विशेषता का अध्ययन कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये बात याद रखनी है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं की एक ही विशेषता का अगर अध्ययन करना है तो आप दंड आलेख या स्तंभ आलेख का उपयोग करोगे। क्लियर, अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो है एक दंड आलेख बना लेते हैं कि किस प्रकार का दिखेगा, इन पर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो आगे बात है, अभी केवल ये सीखो कि क्या कह रहा हूं मैं आपको, है ना, जैसे रेखा आलेख के बारे में प्रॉपर्टी बता दी और कैसा दिखता है आलेख वो पता होना चाहिए। ठीक, ऐसे ही दंड आलेख में ये चीजें याद रखनी है और दंड आलेख कैसा दिखेगा वो जरूर याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम तो जो है बेसिकली क्वेश्चन जो आने वाला है वो इसी प्रकार का आने वाला है। ठीक है, तो देखिए अब लिखेंगे पहला कि एक दंड आलेख, एक दंड आलेख, अब एक दंड आलेख जो है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, देखिए इस प्रकार से लाइन खींच लीजिए, ठीक है, फिर इधर कोई चीज होगी आपकी, है ना, इधर कोई प्रॉपर्टी होगी, इधर कोई प्रॉपर्टी होगी, वो अब बार बार मैं क्वेश्चन टाइप में नहीं जाऊंगा, सीधे बता देता हूं, डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से एक दूसरे से अटैच्ड जो है स्तंभ आप खड़े करोगे, ये जो आप खड़े कर रहे हैं ना इन्हीं को अपन क्या कह रहे हैं, दंड या फिर स्तंभ। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि देखिए अभी आगे आ जाएगा, है ना, देखिए ये जो इनकी चौड़ाई है ना, ये मान लो ये अगर ए है तो फिर इन सभी स्तंभों की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, ए ही होगी, चौड़ाई कितनी होगी, ए ही होगी, ये बात आपको याद रखनी है। तो दंड आलेख के अंदर जो दंड बनते हैं उनकी सभी की चौड़ाई क्या होगी, समान होती है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए एक सेकंड, अरे ये तो आयत चित्र बना दिया आपने, एक मिनट एक मिनट, इसमें गैप होना चाहिए था, अपन ने बिना गैप के बना दिया ना, एक सेकंड, है वही सब चीजें लेकिन यहां एक मिनट वापस बना दीजिए। ये जो डायग्राम बनाया है ये तो आयत चित्र है, दंड आलेख में एक और विशेषता होती है वो देखो क्या होती है, ये इस प्रकार से है तो फिर आपका दूसरा वाला इससे अटैच्ड जो है नहीं हो सकता, ये मैं जो है गलती से जल्दी जल्दी में वो बना गया था, इस प्रकार से होंगे ये, मतलब ये जो दंड है वो एक दूसरे से, ये और ये दंड
एक दूसरे से अटैच्ड नहीं हो सकते। अगर ये अटैच्ड हो गए तो फिर ये आयत चित्र कहलाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो ये जो चौड़ाई होती है ये सभी की क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, ये जितने भी चार दंड बनाए हैं इन चारों की जो आपके देखिए पहला दंड, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों की जो चौड़ाई है वो क्या होगी, समान होगी। और इसके साथ में और क्या याद रखोगे, तो इसके साथ में आपको याद रखना है कि ये जो गैप होता है इनके बीच में, जैसे ये अगर डिस्टेंस मान लो चौड़ाई बी है तो इनके बीच की ये दूरी भी कितनी होगी, बी ही होगी, और ये भी कितनी होगी, बी ही होगी। समझ में आ गई बात। और यहां पर भी बात जो है स्तंभ वो तो इन्हीं को कहेंगे। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर दंड आलेख के अंदर दो दंडों के बीच में गैप होता है और जो दूरी होती है वो सभी दंडों के बीच में समान होती है। ठीक है, अगर आपने इनको मिला दिया तो ये आयत चित्र बन जाते हैं और वो अभी अपन आगे बात करेंगे, अभी तो दंड आलेख चल रहा है। ये कर लीजिए बड़े आगे की तरफ। तो देखिए, जब हमें दो या दो से अधिक विशेषताओं का अध्ययन करना होता है, क्या करना होता है, दो या दो से अधिक विशेषताओं का अध्ययन करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि बहुगुणित दंड आलेख बना लेते हैं। अब बहुगुणित दंड आलेख कैसे बनेगा वो देखेंगे। ये था एक दंड, देखो एक 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 दंड ले लिया है ना, और ये एक कोई विशेषता होगी और उसकी यहां पर संख्या दे रखी होगी, उसके अकॉर्डिंग ये मैंने बनाया है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि बहुगुणित हो, यानी एक से ज्यादा गुणों की बात करनी हो, तो आप लिखिए दूसरा पॉइंट, बहुगुणित दंड आलेख। ठीक है, अब बहुगुणित दंड आलेख किस प्रकार से बनेगा, तो देखिए बहुगुणित दंड आलेख की बात करते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें बेसिकली कि हमारे पास ये देखिए, ये एक दंड बना दिया एक वस्तु का, इसी के साथ में दूसरी जो वस्तु है, दो गुण जो बात कर रहे थे, एक गुण आ गया, फिर दूसरा जो गुण वाला है वो इसी के साथ में अटैच होगा। ये एक वस्तु का हो गया, दो गुण है लेकिन एक वस्तु के, है ना। फिर आगे देखो, इसी प्रकार से ये एक दंड बना दिया और इसके साथ में ये दूसरा वाला दंड भी अटैच हो गया, ये अब एक अलग हो गया है ना। ये दोनों अलग, ये दोनों दंड जो है ये अलग अलग प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये किसी और को तो ये किसी और को, ये इसको अलग कर देता हूं मैं ब्लैक लाइन खींच के, तो ये इस प्रकार से। तो जब हम ऐसे दो दंड बना देते हैं तो ऐसे फिर जो है ये दंड आलेख को अपन क्या कहते हैं, बहुगुणित दंड आलेख कहते हैं। लेकिन यहां पर भी ये जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा सेम ही चलेगी, क्या होगा, डिस्टेंस सेम ही चलेगी। समझ में आ गई बात, ये चीज याद रखना। हमने पीछे वाले में यहां पर गैप रखा है या नहीं, हाँ ये यहां पर भाई गैप होगा है ना, ये आप इसको ऊपर से थोड़ा सा, एक सेकंड, ये है ना यहां पर, इधर से ये शुरू होता है इस प्रकार से, तो ये मान लीजिए इतना सही बना लिया है ना, यहां पर ये गैप ये आप मान लो कि बी ही है। यहां पर जो है ये यहां जीरो से शुरू नहीं होता है दंडालेख, यहां थोड़ा सा आगे से शुरू होगा। ठीक है, हालांकि ये सब क्वेश्चन करवाऊंगा तो बता दूंगा, ज्यादा टेंशन मत लो, आगे बढ़ो। ये देखो, ये रहा बहुगुणित दंडालेख, तो इसमें क्या होगा, एक से ज्यादा गुणों की जब बात करनी होगी या जब दो विशेषताओं की बात करनी होती है तब ये यूज में लिया जाता है। तो लिख लो, जब दो विशेषताओं का अध्ययन करना हो, ठीक है, तो जब हमें दो विशेषताओं का अध्ययन करना होता है तब हम बहुगुणित दंड आलेख बनाते हैं। ठीक, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन जो है अंतःभंजन,
या अंतः विभक्त जो दंड आलेख होते हैं उनको बता देता हूं। अभी आप केवल डायग्राम देखते जाइए, है ना, अभी से टेंशन में मत आना इन पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना, अभी डरो मत, क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे आते हैं। तीसरा लिखो अंतः विभक्त दंड आलेख। किसकी बात करेंगे? अंतः विभक्त दंड आलेख। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें भी दंड आलेख ही बनाने तो हैं, ठीक है, लेकिन जो दंड आलेख इसमें बनेंगे, याद रखना दंड आलेख जो है यहाँ जीरो से शुरू नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ डिस्टेंस होगी वही आगे डिस्टेंस होगी, अगर यहाँ जीरो है तो फिर आगे भी जीरो करनी पड़ेगी, और जब जीरो कर दोगे तो वो आयत चित्र बनता है। तो इसलिए जो पहले वाले में मैंने थोड़ा सा कर दिया था गलती, वो आप सुधार लेना, है ना, बता दिया वैसे मैं वहां पे भी, यहाँ ये गैप होना जरूरी है। और ये गैप मान लीजिए ए है, तो आगे वाला जो बनेगा वो भी आपका ए गैप पर ही बनेगा, ये इस प्रकार से, ठीक, और एक मान लीजिए इस प्रकार से है। अब देखिएगा, अब क्या होगा कि वहां पर हमने क्या करा था, जब दो विशेषताओं की बात करनी थी तो दो दंड आलेख बनाए थे, यहां दंड आलेख एक एक ही बनाएंगे लेकिन उसके भाग कर देंगे, यानी ये एक भाग, ये ऐसे, इनको तीन विशेषताओं में पढ़ने के लिए एक दंड आलेख के तीन तीन भाग कर देंगे, ठीक है, और तीन भाग करके अलग अलग भाग को अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो ये किसी एक भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो ये किसी एक भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है पीला वाला, और मान लीजिए ये ग्रीन वाला किसी एक भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे ही यहां पर जो है ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला, ठीक है, फिर ये देखो ये येलो वाला, ठीक है, और ये पिंक वाला, ठीक। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहां पर बेसिकली तीन डायग्राम बन गए। कितने डायग्राम बन गए? तीन डायग्राम बन गए, है ना, एक ही डायग्राम के अंदर देखो तीन तीन डायग्राम बन रहे हैं, ये तीन भाग, एक भाग, दो भाग, तीन, इधर भी देखो, है ना। फिर अब इस आधार पर, इस ग्राफ के बेस पर अलग अलग जो भाग है ये अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी अलग अलग विशेषताओं को, और उनका अध्ययन करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम? अंतः विभक्त दंड आलेख कहते हैं, यानी सब डिवाइडेड बार ग्राफ जो होते हैं वो ये होते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब आगे इतने ज्यादा आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि इस ग्राफ पर आधारित बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो भी पाई चार्ट से आएंगे, इन सभी से कोई पूछा ही नहीं जा रहा है, लेकिन ये नॉलेज में होने चाहिए अगर पूछ लिया जाए तो, है ना। इसलिए चलो कर लीजिए इसको नोट डाउन। तो आपने आज जो है चित्रों, जो आपके आंकड़ों का चित्रों के द्वारा निरूपण है, उसके अंदर सबसे पहले ये समझा कि रेखा आलेख क्या होता है, फिर आपने दंड आलेख को समझ लिया है, अब आयत चित्र, पाई चार्ट और आपके बारंबारता बहुभुज, इन तीनों के बारे में अपन अगली क्लास में करेंगे, और उसके बाद में एक क्लास में इनके क्वेश्चन कर लेंगे, यानी तीन क्लास के अंदर आपका ये वाला जो टॉपिक है वो पूरा होगा, फिर अगला टॉपिक, और इस प्रकार से आपका जो है ये सेवंथ यूनिट को भी अपन बहुत ही जल्दी 7 से 8 क्लासेस के अंदर पूरा कर देंगे। बीच में 1-2 क्लासेस मैं लॉन्ग लेने का प्रयास करूंगा, यानी 1-1 आवर की, तो ये जल्दी टॉपिक हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।